हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, इंदौर में चेकिंग के दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान पर बन आई। दरअसल एक कार चालक को पुलिसकर्मी ने जब रोकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पुलिसकर्मी भी उसके बोनट पर लटक गया। कार चालक फिर भी नहीं रुका और करीब 4 किलोमीटर तक पुलिसकर्मी को यूं ही टांगे ड्राइविंग करता रहा। बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने कार का पीछा किया और अन्य साथियों के सहयोग से ट्रक लगाकर कार चालक को रोका। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास पिस्टल बरामद हुई है और घटना का वीडियो भी सामने आया है। हेड कांस्टेबल शिव सिंह ने बताया कि कार चालक को देवास नाका की ओर से कार चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए देखा। रोकने पर वह रुक गया। जब चालान कटने की बात कही तो वह वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी बढ़ा दी। उसे रोकने के लिए मैं भी उछलकर गाड़ी के बोनट पर बैठ गया। मैंने दोनों हाथों से बोनट को पकड़ लिया। इस दौरान कभी ब्रेक लगाई, कभी कट मारकर उसने गिराने की कोशिश की ताकि मैं उछलकर गिर जाऊं। लेकिन मैं पूरी ताकत से बोनट को दोनों हाथों से पकड़े हुए था। इसी दौरान साथी सुरेंद्र सिंह बुलेट से पीछा करते हुए पहुंचे। यहां ट्रक और दूसरे वाहन चालकों से आगे गाड़ी लगवा कर उसे रुकवाया गया। ट्रैफिक सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के पास पिस्टल थी, वह लाइसेंस ही थी। हेड कांस्टेबल की जान बच गई, उन्होंने आरोपी को भागने नहीं दिया। जान की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई। करीब 4 किलोमीटर तक गाड़ी के बोनट पर लटके रहे। लसूड़िया थाने के बाहर भी आरोपी ने कार को लॉक कर रखा था, गाड़ी से नहीं उतर रहा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर संतोष दूधी के आने के बाद वह गाड़ी से बाहर आया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।